बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी कैसी लगी मूवी सेल्फी? सेल्फी एकदम बहुत बढ़िया मूवी है, बहुत चलेगी और बहुत हिट होने वाली है आगे। क्या कुछ सीखने जैसा था मूवी में? वो फैंस के ऊपर है, वो फैंस की कैसे रिस्पेक्ट करते, कुछ फैंस रहते जो उनके मतलब उनका गलत इस्तेमाल करते उस चीज़ का फेम के लिए, तो वही उस पिक्चर में बताना उन्होंने चाहा है। मतलब अक्षय कुमार ऑल टाइम हिट है और वो उनका कोई तोड़ ही नहीं है, लेवल बहुत क्लास क्लास पिक्चर है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और इसमें से बहुत अच्छा मोटिव उन्होंने दिया है पूरे यूथ को। मतलब एक्टर बहुत क्लास है, बहुत क्लास है, काफ़ी हिट है वो मैं खिलाड़ी तो अनाड़ी, बहुत बहुत प्यारा लगा मुझे, रिमिक्स है पर बहुत भारी है। उसके बाद 5 में से 5, थैंक यू सो मच। सेल्फी अभी भी देख के आ रहे मूवी, किस तरह की मूवी लगी आपको? अच्छी मूवी है, बहुत दिन के बाद अच्छी मूवी देखने को मिली। अक्षय कुमार है, इमरान हाशमी साथ में, दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है। अच्छी गाने कैसी लगे आपको? गाने भी अच्छे हैं, वो लास्ट गाना जो अच्छा है मैं खिलाड़ी तो अनाड़ी। कितना एंजॉय किया आपने मूवी को? बहुत। कोई ऐसा मोमेंट जो आपको लगा काफ़ी अच्छा लगा, पैसा वसूल? ये दोनों की जो कंपटीशन जो है वो अच्छा लगे। फैन के बारे में डिस्क्राइब किया गया, फैन और एक हीरो जो है वो अच्छा दिखाया। कैसा लगा? कॉन्सेप्ट अच्छा है, डायरेक्शन वगैरह अच्छा है, वो तमिल मूवी की रीमेक है लेकिन अच्छे लगे। स्टार की बात करें तो 5 में से कितना स्टार देना? 3। बहुत बहुत अच्छी थी फिल्म, प्लीज आप सब जरूर देखें। मैं वैसे ही अक्षय कुमार की फैन हूँ और फिल्म देख के और फैन हो गई हूँ, तो आई लव हिम। कहानी बहुत अच्छी है और स्टार और एक नॉर्मल इंसान की कहानी है, जैसे हम फैंस हैं वैसे ही वो भी उनके फैन है और बहुत बहुत अच्छी स्टोरी है। सेल्फी मूवी देखिए, सेल्फी मूवीज देखिए, सब लोग देखिए, सब लोग देखिए, बहुत मजा आएगा, आई लव हिम, बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा। 5 out of 5। पैसा वसूल देखना जरूर, बहुत अच्छी। कैसे आप लोग? सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि मूवी देखने आई आप सेल्फी, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, पर बात बुरी यही लगी कि ना पब्लिक नहीं है हॉल में, तो रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के कि मूवी देखने आओ, मूवी बहुत अच्छी है। इतनी अच्छी नहीं है लेकिन जो तू बोल रहा है, इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं, ऐसे कुछ इतनी अच्छी, अगर इतनी अच्छी मूवी नहीं होती तो आप, इतनी अच्छी होती ना आप तो थिएटर फुल होता, थिएटर में नाचोगे ना, तो वही तो प्रॉब्लम है पब्लिक, पब्लिक की वही तो प्रॉब्लम है कि पब्लिक सोच रही है कि नहीं नहीं आप जब तक नहीं देखोगे पहला शो फर्स्ट शो आओ मूवी देखने आओ। सीरियस में एक बात बोल रहा हूँ, मूवी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, जब तक आप लोग देखोगे कैसे चलेगा? बोलता है देखो सीरियसली, हाँ बोलो बोलो, तुम आ जाओ, ऐसी ऑडियंस आती है ना तभी घटिया घटिया फिल्में थिएटर में लगती है और अच्छे डायरेक्टर अच्छे एक्टर घर पे बैठे रहते हैं। यार कौन सी फिल्म नहीं चल रही? क्या कौन सी नहीं चल रही फिल्म? कौन सी फिल्म नहीं चल रही? कौन सी फिल्म नहीं चल रही? एक सेकंड, स्क्रिप्टेड है ही नहीं। सीरियसली आई थिंक आप लोग मेरे को नहीं जानते, मैं भी एक एक्टर हूँ देवीर सिंह, आप मेरे को देख सकते हैं, बट मूवी आप देखिए, सीरियसली मैं कहता हूँ मूवी देखिए आप। हमारा हॉल में भी यही सीन हुआ था, पब्लिक कुछ लोग फालतू की बातें बोल रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे मूवी को देख के, लेकिन ऐसी बातें नहीं होती, मूवी देखना ही है, अब अपना ओपिनियन, सबका ओपिनियन, सबका ओपिनियन है। हेरा फेरी 3 बन रही है, उसका डायरेक्टर कौन है? फरहाद साम। अच्छा, हेरा फेरी 3 अगर 500 करोड़ से कम कराएगा तो मेरे को बोलना। अरे पैसा सब कुछ नहीं होता, लोगों को आर्ट चाहिए भाई, लोगों को आर्ट चाहिए, लोगों को आर्ट चाहिए तो मिलेगा ना। क्या उम्मीद करते हो फिर हेरा फेरी? कहां मसाला है, क्या कुछ है? कोई एक ऐसा रीजन क्यों थिएटर खाली है बट आप लोग गए देखने? कोई ऐसा रीजन? फैन है, बॉलीवुड के फैन है, देखना सिनेमा, लेकिन घटिया फिल्म प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम है यही प्रॉब्लम। आराम से इसको सपोर्ट करते हो? कौन सी फिल्मों को सपोर्ट करते हो? क्या मैं मानता हूँ साउथ की फिल्में बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, साउथ की फिल्मों अपनी फिल्मों को कैसे भूल रहे हो? पब्लिक अपनी फिल्मों को कैसे भूल रहे हो? बॉलीवुड को बचपन से तुम भी इतने सितने हुए ना फिल्में देख के बॉलीवुड की, तो तुम उसको कैसे भूल सकते हो? सीरियसली बीसीसीआई वाली बात है, ये पागल फैन है, ये जो बेवकूफ होते हैं ना, पागल फैन है ये जो बेवकूफ होते हैं ना। इसकी बात भी अच्छी है, इसकी रीमेक भी अच्छी है, जैसे हिट। सर 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 आप आइए, सर क्या नाम है सर आपका? मधुसूदन सर। आप सर वैसे भी आपकी एज आपको पता होगा
अच्छा एक्सपीरियंस है। सर आप बताइए मूवी कैसी थी सर? अच्छी लगी है, वो भले तमिल की रीमेक है फिर भी बहुत अच्छी फिल्म है। तो बहुत अच्छी फिल्म है, वन टाइम वॉच है ना। मेरी एक मतलब कि क्या लोगों का कि रीमेक करना बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है, सेम टू सेम बिल्कुल इजी होता है। क्या करना है, क्या लगता है, क्या पब्लिक का क्या लगता है, क्या नहीं लगता, क्या नहीं लगता भाई। कॉपी ऐसी फिल्में चलती है ना, कॉपी में नकल में भी अक्कल, ऐसी फिल्में चलती है तभी तुम जैसे आर्टिस्ट स्ट्रगल करते हो। नकल में भी अक्कल ना। एक दो स्टार की बात करते हो, पांच में से कितना स्टार देना चाहते हो? दो स्टार, दो 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 फोर स्टार, फोर स्टार। ये भी नहीं कह सकता कि ना फाइव में से फाइव, बट हर चीज़ में थोड़ी बहुत तो कमी होती है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि थोड़ी सी कमी के कारण हम फिल्में देखना बंद कर दें। फिल्म अच्छी है, आप लोग फिल्म देखिए, सेल्फी देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है। थैंक यू। सेल्फी मूवी मुझे ऐसा लगा कि मैं दुनिया भर का टेंशन सर में लेके घूम रहा हूँ, ये मूवी देखने में टेंशन फ्री हो गया फुल। क्यों? ये मूवी एंजॉयबल है, एंटरटेनमेंट है, पूरा मसाला भर के है, मतलब इन शॉर्ट देखा जाएगा ना आप बहुत एंजॉय करेंगे मूवी को। बहुत बढ़िया लगी इनफैक्ट मेरे को। इमरान हाशमी और अक्षय कुमार से मतलब एक्सपेक्टेशन लेवल था बट उतना नहीं था, बट उन लोग दोनों ने ना उससे ज़्यादा करके दिखाया, जो कि मैंने बहुत एंजॉय किया है फिल्म में मैंने देख के। देखो अभी हालांकि सबसे पहली बात ये मलयालम बेस्ड मूवी है, तो जिन्होंने मलयालम में नहीं देखा रहेगा ना उनके लिए ये ना पावर पैक धमाका मूवी है। मतलब इनफैक्ट ऐसा बोलना चाहूँगा एक बार देखिएगा बार बार देखिए, पर जिन्होंने मलयालम में देखा है ना तो मैं बोलना चाहूँगा उनको कहीं ना कहीं थोड़ा ओके ओके लगेगा। बट और जो जिस तरीके से कॉन्सेप्ट उठा है ड्राइविंग लाइसेंस का बहुत अच्छा उठा है इनफैक्ट, क्योंकि ऐसा स्टोरी बहुत कम देखने मिलता है। और हालांकि अक्षय कुमार का तो अभी लास्ट ईयर तो बहुत बुरा हाल चल रहा है, बट ये साल उन्होंने सेल्फी दे के बहुत अच्छा काम किया, दिल खुश कर दिया फैंस का। सॉन्ग्स बहुत बढ़िया लगा मेरे को, इनफैक्ट मृणाल ठाकुर का था कुड़िये नी तेरी वाइब, फिर सबसे बेस्ट सॉन्ग जो टॉप पे चल रहा है अभी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, जिसमें मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सैफ अली खान रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, पर पूरा गाना इमरान हाशमी और अक्षय कुमार ने निकाला, बहुत मज़ा आया, पूरा अंगार लगा दिया गाने में, बहुत मज़ा आया एक्सपेक्ट किया। और डायरेक्शन के रिलेटेड बहुत मज़ा आया, और स्टार की रेटिंग तो 100 out of 100, बहुत एंजॉय किया मैंने। हम सेल्फी देख के आए हैं, पहली बात तो सेल्फी, अकेले खुद की सेल्फी लेना पड़ता है कि हमारे बाजू में है नहीं हमारे विजय कुमार अक्षय कुमार नहीं है बाजू में। पर अभी मैं बात करूँ मूवी के बारे में, तो मूवी है अपने अक्षय कुमार की रियल लाइफ थोड़ी बेसी है, क्योंकि उन्होंने खुद बताया कि मैं 40 दिन में शूटिंग खत्म करता हूँ, ये 4 पिक्चर बना रहे थे ऐसा बताया था उन्होंने, तो एक बायोपिक भी लग जा बायोपिक ही समझ लो अक्षय कुमार की है। बट बात करो मूवी की, मूवी जब उन्होंने 2022 में बच्चन पांडे रीमेक बना के 2022 में स्टार्ट किया था अपना, तो थोड़ा मतलब वो चली नहीं और थोड़ा मतलब पब्लिक को मज़ा नहीं दिला, पर मैं लिख के बोल रहा हूँ सेल्फी आपको पब्लिक को मज़ा दिलाएगी रीमेक रह के भी, क्योंकि जिस तरह से प्रेजेंट किया है पिक्चर को, जिस तरह से हंसाया, जिस तरह से मतलब वो जो इमरान हाशमी और अक्षय कुमार का तकरार बताया ना, आप घूम जाओगे उसमें कि आप बोर ही नहीं होगा, आप बस सीट में ऐसे बैठे रहोगे स्क्रीन पर देख रहे हो, कुछ से बात नहीं करोगे, आप फोन आएगा फोन भी नहीं उठाओगे, बट आप पिक्चर पर ध्यान देखते रहोगे क्योंकि इतनी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया और इतनी अच्छी लग रही है पिक्चर, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन सॉन्ग तो दो ही सॉन्ग लिया है लोग ने, स्टार्टिंग का सॉन्ग जो मृणाल ठाकुर के साथ किया था वो एक सॉन्ग आता है, मृणाल ठाकुर बहुत अच्छी लग रही है, मतलब बोले तो उनको बहुत और सॉन्ग के लिए लिया था एक्चुअल में, तो बहुत ही अच्छी लग रही है। आदा शर्मा भी इसके अंदर, वो भी कैमियो के लिए, आदा शर्मा ने क्या कॉमेडी किया यार, वो तो मैं बताऊँ रिवील नहीं करो, आप मूवी देखो आप अचानक से आपकी हंसी छूट जाएगी, ऐसा सीन था उसके अंदर। दोनों की केमिस्ट्री पहली बार देखने मिल रहा है, नहीं तो कैसा ऐसा फील हो रहा है कि जिससे से अक्षय कुमार सैफ अली खान का एक था ना एक जोन कि मैं किलाई तो अनाड़ी बनाए थे, फिर और भी बहुत सारी पिक्चर बना चुके हैं लोग एक साथ में, वैसे इमरान हाशमी और अक्षय कुमार के लग रहे, इससे दोनों गाने लिया मैं खिलाड़ी तो बनारी, तो दो ही गाने इसके अंदर लास्ट के सीन लास्ट में वो मैं खिलाड़ी तो बना रहा, और बहुत मज़ा आ रहा है सुनने को, हंस हंस के नाच नाच के बारे में, बस ऑडियंस नहीं है, ऑडियंस इतने नाचने में मज़ा आता था, हम लोग अकेले नाच के, मैं और मेरा फ्रेंड साथ में थे तो हम लोग सब नाच के आ रहे, बट पब्लिक इतनी नहीं है, तो पब्लिक को बोलोगे खास देखो एंजॉय करो। और मैं खास एक बंदे को बोलोगे एक क्रेडिट दूंगा पिक्चर को, वो है अभिमन्यु सिंह, वो बंदा हमेशा नेगेटिव रोल करता है, सूर्यवंशी में देख लो, निकम्मा देख लो, उसमें नेगेटिव रोल किया है, पर यहाँ पे उन्होंने प्रूफ किया कि मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ, जैसे आपने अभिषेक बच्चन की रन पिक्चर देखा रहेगा कि कैसा वो विजय राज बार बार कॉमेडी करने आते थे, वैसे अभिमन्यु सिंह यहाँ पे पब्लिक को हंसा रहे, और ऐसा नहीं किसी को हंसी छूट रही है, पब्लिक पेक पकड़ के हंसी रहा ताली मार रहे उसकी लाफ्टर पे, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छा है इसके अंदर।
पाँच बजे पाँच बनता है दोनों के लिए और सबके लिए। नुसरत भरोसा के लिए भी मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छे से एक्टिंग की उन्होंने। बस अक्षय कुमार जब जब देखते हैं ऐसा फील होता है कि गुस्से में देखे कि राम सेतु की फ्लॉप हुई पर फिर भी अच्छी लगी पिक्चर, बहुत अच्छी तरह से एंटरटेनमेंट किया। थैंक यू। सो बहुत अच्छा लगा मेरे को मूवी देख के। और सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं फीचर्ड हुआ हूँ फिल्म में, सो जाके देखना। लास्ट में मेरे जो एंड में क्रेडिट्स आते हैं मेरी सेल्फी परवीन चोपड़ा मैम के साथ है। सो थैंक यू सो मच सर इतना प्यार देने के लिए अपने फैंस को। और बेस्ट पार्ट मूवी की ये लगी कि अक्षय कुमार सर इमरान हाशमी जी को बचाने के लिए आते हैं। सो मेरे को वो पार्ट बहुत बेस्ट लगा कि लड़ाई झगड़ा अपनी जगह और सेफ्टी, मतलब फैंस की सेफ्टी। इमरान हाशमी उनके फ़ैन थे। सो ज़्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा मैं। आप प्लीज़ जाइए और देखिए। एंड में मूवी को रेटिंग है 4.6 out of 5। रियली थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी मूवी, प्लीज़ जाइए। और सर मूवी अभी आप देख कर आ रहे हो, किस तरह की मूवी लगी आपको? हाँ, ये मूवी मुझे फुल ऑफ एंटरटेनमेंट लगी और मैंने अपने लाइफ के 90 मिनट्स इस मूवी को दिए हैं। मैंने बहुत इंजॉय फील किया, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट। दो सुपरस्टार एक साथ थे, किस तरह की केमिस्ट्री लगी आपको उसके बारे में? केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और दोनों बहुत ही फाइनेस्ट एक्टर है, दोनों ने अपना 100% दिया है। और इस मूवी में जो मुझे सबसे अच्छा लगा है वो है एक्चुअली, जैसे मैंने अभी सभी को बताया एक बार मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि अक्षय सर बहुत सारी फिल्में करते हैं, हर फिल्म में अपना एक अलग कैरेक्टर प्ले करते हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने जो अपना कैरेक्टर प्ले किया है वो उनका रियल लाइफ में जो उनका कैरेक्टर है वही वो उन्होंने इस फिल्म में प्ले किया है। तो हम मतलब देख के बहुत अच्छा लगता है कि जो एक आम आदमी अपनी मेहनत से और एक ऑडियंस के प्यार से इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचता है, वो चीज़ों को कितनी समझदारी से हैंडल करता है, कितना मैच्योरिटी से हैंडल करता है विदाउट पैनिक किए हुए। बहुत अच्छा, बहुत रियलिटी, रियल पॉइंट्स बताए गए इस फिल्म में, ऑडियंस को देखना चाहिए एक्चुअली। कोई ऐसा मोमेंट लगा जो थिएटर में देखने के बाद कि आपका पैसा वसूल हो गया? मैं सिर्फ मोमेंट की नहीं, ओवरऑल मूवी की बात करूँगी। पूरी स्टार्टिंग टू एंड मैं कहीं मतलब मूवी मुझे लूज़ नहीं लगी या फिर मुझे बोर फील नहीं हुआ, क्योंकि मूवी ऑब्वियसली किसी को सोशल मैसेज या ज्ञान देने के लिए तो बनाई नहीं जाती है, किसी को आज ज़रूरत भी नहीं है ज्ञान की, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। और ये मूवी फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है और ऑडियंस को देखनी चाहिए। गाने काफ़ी हिट हुए डेफिनेटली, मुझे भी बहुत अच्छे लगे। और मैं बिल्कुल कंपेयर नहीं करूँगी कि पिछला सॉन्ग अच्छा था रीमेक करके बिगाड़ दिए, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि जो रीमेक आया है वो और बेहतर तरीके से बनाया है, बहुत अच्छा है। और डायरेक्शन किस तरह का? डायरेक्शन बहुत अच्छा है, डायरेक्शन, म्यूजिक, कॉन्सेप्ट, एक्टिंग, ओवरऑल बहुत अच्छा है। स्टार की बात करें, 5 में से कितना स्टार है? 4।